दोस्तों बहुत दिनों से बहुत सारी वीडियो पे बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है कि भाई आप कहाँ पे रहते हो, क्या काम करते हो आप, और सैलरी क्या है आपका, और वगैरह वगैरह बहुत सारी जो है कि बातें जो है कि लोग लिख रहे हैं, कमेंट्स लिख रहे हैं, सुनने को मिल रहा है। दोस्तों मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि मैं बहुत सारा हर जो भी हमारे रिलेटिव है, जो भी चीज़ें, मैं कहाँ पर रहता हूँ, क्या करता हूँ, कौन सा काम करता हूँ, क्या सैलरी है और कहाँ के रहने वाला हूँ, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं अब। हाय एंड हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सब जहाँ भी कहें होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है मिराज और मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, और इस टाइम वर्तमान में मैं अभी सऊदी अरब रियाद में रहता हूँ, आखिर इस्तांबुल इशारा मस्जिद फौजान के पास रहता हूँ मैं। और हमारा काम एक नहीं है, कई काम है। एक फैक्ट्री है अलफरहान नाम का, मैं उसी में काम करता हूँ। और हमारा काम जो है कि एक काम नहीं है, आप लोग देखते हैं अक्सर मैं फोरक्लिफ्ट चलाता रहता हूँ, तो मेरा वही बस काम नहीं है, और भी काम है। लेकिन फोरक्लिफ्ट में गया था छुट्टी, इंडिया से मैं आया हूँ घर सऊदी अरब में, तो मैं उस वक्त मुझे फोरक्लिफ्ट मिला चलाने के लिए, कोई बंदा है नहीं, तो इसके लिए मैं चला रहा हूँ। अभी हमको लग रहा है कि 8 महीना हो गया चलाते हुए, तो बस भाई ऐसे ही ज़िंदगी गुजर रहा है, कोई बंदा है नहीं कि वो चलाए, तो इसीलिए मैं चला रहा हूँ फोरक्लिफ्ट। क्योंकि कुछ लोग गए छुट्टी तो आ नहीं पाए, कुछ ड्राइवर थे यहाँ पे, फोरक्लिफ्ट ऑपरेटर कुछ लोग थे, अच्छा गए तो वापस आ नहीं पाए लोग, मालूम नहीं क्या रीज़न था। ऐसे मेरी कंपनी ख़राब नहीं, अच्छी कंपनी है, तो उस वक्त से मैं ही चला रहा हूँ, कोई है नहीं तो मैं ही चला रहा हूँ। वरना मैं, आप लोग देखे होंगे कैटरन वगैरह का मशीन वगैरह रखा है इधर, चलता है कैटरन का मशीन, जो अपने वहाँ कैटरन लगता है ना, वही मशीन चलाता हूँ, सीएनसी वाला। और भी बहुत सारा काम है जो आदमी करता है, कौन कौन सा मशीन का नाम ले आदमी, ठीक है। लेकिन भाई दोस्तों, अगर आप लोग हमारा सैलरी जानना चाहते हैं, तो मेरा 2550 2550 एल सैलरी है हमारा। और दोस्तों 8 घंटे का ड्यूटी है मेरा, सुबह 7 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक, बीच में 1 घंटा लंच है, और ओवर टाइम जो है कि काम के हिसाब, यानी कि अगर काम है तो आपको ओवर टाइम मिलेगा, काम नहीं है तो ओवर टाइम नहीं मिलेगा, ऐसा ही सिस्टम हमारा है। लेकिन हम लोग का काम हमेशा रहता है, हमेशा काम रहता है, लेकिन थोड़ा सा अभी काम थोड़ा स्लो चल रहा है भाई, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। टाइम 4 बजे चला जाता है, नहीं तो हम लोग हमेशा 10 बजे 11 बजे रात तक हम लोग काम करके, यानी 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा ऐसे काम, 7 7 घंटा 8 8 घंटा हम लोग काम करते हैं, कभी कभी डबल ड्यूटी करना पड़ता है, इतना बीच में काम था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी थोड़ा सा काम थोड़ा सा मंदा चल रहा है, लेकिन कोई खैर कोई बात नहीं। तो दोस्तों यही हमारी कहानी थी, हमारी जुबानी, ठीक है, और कुछ नहीं है यार, बस क्या कीजिएगा। मान लीजिए कहीं भी रोजी रोटी लगा है तो आदमी काम करना पड़ेगा, अपना मुल्क आदमी छोड़ के आया दूसरे मुल्क में। और दोस्तों मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सारे जो है कि लोग कोरोना के टाइम में गए नहीं आ पाए, अब फंसे के फंसे रह गए इंडिया में, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग घबराइए नहीं, बहुत जल्द मैं एक ऑफिस का खुलासा करने वाला हूँ, इस जो है कि वीडियो में, इस वीडियो में नहीं, आगे कोई कंटेंट बनाएंगे उस वीडियो में हम जो है कि नाम मेंशन करेंगे, उसका सारा नाम भी बताएंगे कहाँ पे आप लोग जाइए। लेकिन हाँ इतना मालूम है आपको कि चंडीगढ़ से आपको काम कराना पड़ेगा, ठीक है, और उस ऑफिस का नाम हम बताएंगे, आप लोग उस ऑफिस में जाइए और मस्त काम कराइए, ठीक है। वो ऑफिस वाला तो मुझे नहीं जानता है, लेकिन मैं उस ऑफिस वाले को जानता हूँ, और बहुत जल्द मैं बनाऊंगा एक वीडियो उस पर स्पेशली कि कहाँ से आप जाके अपना काम कराएं। एक मैंने वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है ना, एक मैंने वीडियो डाला भी हुआ है कि अपना काम कराएं, कहाँ से कराएं, कैसे कराएं, ठीक है, तो आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो मैं बहुत जल्द बताने वाला हूँ आप सभी को कि कहाँ से काम कराएं आप चंडीगढ़ में, इसलिए कि एक ऑफिस का मुझे मालूम चला है, बहुत ही ज़बरदस्त ऑफिस है, एक मेरा दोस्त वहाँ से गया हुआ है, बता रहा था कि कोई फेक काम नहीं कराता है लोग, बहुत ज़बरदस्त काम कराता है लोग। तो दोस्तों मैं उस ऑफिस का नाम बताऊंगा आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा सा हम भी जानकारी ले लें, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि भाई कोई भी मैं अपने वीडियो में कोई भी बातें बताऊँ तो वो ओरिजिनल हो, फेक ना हो, और आप लोगों को वहाँ से कुछ राहत मिले, ऐसा ना हो कि मैं कोई बात बताऊं और आप बाद में फंस जाएं, फिर मुझे भी आप 10 गाली दें, ठीक है। तो मैं इसीलिए पहले पूरा क्लियर करता हूँ क्या है क्या नहीं है, उसके बाद से हो सके अगर नंबर भी मिलेगा उस ऑफिस वाले का तो नंबर भी मैं मेंशन करूँगा, और दूसरे वीडियो में, मेरे वीडियो पे थोड़ा सा इंतज़ार आप लोग कीजिएगा, ठीक है ना। और दोस्तों मैं बता दूँ कि मैं थोड़ा सा, आप लोग कोई बात पूछते हैं तो मैं थोड़ा सा वीडियो के माध्यम से बताने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ, लेकिन थोड़ा लेट होता है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, थोड़ा लेट आएगा वीडियो, लेकिन वीडियो आएगा। इसलिए भाई मैं भी काम करता हूँ और बहुत सारी वीडियो पेंडिंग पड़ा रहता था, थोड़ा 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 करके मैं डालता रहता हूँ पर डे एक वीडियो, ठीक है। तो
तो दोस्तों मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।